कहता हूँ मेरे जो भाई मंजीत जी है, ये आपके आप ही के इलाके का लाल है, और मैं तो कहता हूँ प्राउड पर्सन है आपके इलाके का, पंजाब का नाम रोशन कर रखा है बंदे ने हमारे राजस्थान में भीलवाड़ा में। इतने मतलब इनकी जो सोशल वर्क है, इनकी गाड़ियाँ कारें जीपें, किसी भी बीमार आदमी को चाहिए, किसी भी एक्सीडेंट वाले को बंदे चाहिए, हाईवे पे करोड़ों रुपए का इन्होंने होटल लगा रखा है वहाँ कंवड़िया टोल नाका उसको बोलते हैं। वो तो आधी रात को जाके बोलो पैसे से मदद करेंगे, गाड़ी से मदद करेंगे। सर जी बीमारी है कि कैंसर, असं जो सुनिया कैंपा के भी आज गल जी आवाज टीम गल कर रही थी दवाइया काफ़ी मरीज ठीक किए की कहूँगे जी, जी जी बीमारी हैगी इलाज है ऐसा है जी। सबसे पहले तो मैं आवाज़ की टीम को अलग अलग बधाइयाँ देता हूँ कि उन्होंने गुरु नानक साहब की 550वीं जयंती पे जो कैंप किया कैंसर के लिए, ये बहुत बधाई वाला काम। दूसरा सीधा सीधा मेरा ये कहना है जी, नवग्रह आश्रम और चौधरी हंसराज जी को हमारा प्रणाम। हम आवाज़ टीम की तरफ से पूरे आभारी हैं कि चौधरी हंसराज जी ने और नवग्रह आश्रम की पूरी टीम के जितने भी सदस्य यहाँ आए हैं, डॉक्टर साहब आए हैं, सबके हम आभारी हैं कि उन्होंने इतनी दूर से 1000 किलोमीटर से यहाँ पे आके पंजाब में निरोगता और कैंसर के विरुद्ध आयुर्वेद का दीपक जलाया। श्री मंजीत कसाणा जी जो हमारे एरिए से बहुत समय से राजस्थान में सेवा दे रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, और इनके सहयोग से इनके आशीर्वाद से हमें ये शुभ अक्षर मिला कि यहाँ पे जितने भी आज लगभग 200 पेशेंट डॉक्टर साहब ने आप आके चेक किए, ना अकेले चेक किए बल्कि उनको दवाई दी और बहुत सारे लोगों में कैंसर और बीमारियों के प्रति अवेयरनेस की, उनको बताया कि एलोपैथी के महंगे इलाजों से कैसे बच सकते हैं, इस मकड़ जाल से कैसे निकल सकते हैं और कैसे बहुत ही आसान ढंग से कैंसर जैसी बहुत बड़ी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। सो हम बहुत दिल से आभारी हैं चौधरी हंसराज जी के, नवग्रह आश्रम जी के और श्री मंजीत कसाणा जी के, और हमें पूरी आशा है कि हम मिलके आगे बढ़ेंगे, पूरी इनके कैंसर सैनिकों में शामिल होंगे और आवाज़ अपनी तरफ से कैंसर के विरुद्ध लड़ाई में सदाई नवग्रह आश्रम की टीम का और श्री हंसराज चौधरी जी का और जितने भी कैंसर सैनिक जितने भी कैंसर पेशेंट हैं उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।